नमस्कार, अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं जनता दल के जिला प्रवक्ता रंजीत कुमार खेत्रे जी। आज इनसे चर्चा करते हैं, चर्चा के दौरान पार्टी किस तरह से मजबूती की ओर लेकर जाएंगे, मैं उनसे चर्चा करता हूँ। सर, सबसे पहले आप ये बताएं, आज जिस तरह से जनता दल यू मजबूती के साथ MLC चुनाव लड़ रही है, कितने सीटें लाने जा रही है विधानसभा चुनाव में? पहले तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहते हैं कि पूरी NDA मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित है। हमारी पूरी ताकत अभी MLC चुनाव को लेकर एकदम सक्रिय है। सभी हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं सब अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं और 4 तारीख को होने वाले मतदान के रूप में हमारे जिला गया से मनोरमा जी को निश्चित रूप से जीतने का पूरी उम्मीद है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो नीतीश कुमार जी के बख्तियारपुर दौरा के दौरान हमला किया गया, क्या उस युवक को सरकार ने क्या किया? आपने देखा, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें माफ करने का काम किया। हमारे नेता समाजवादी नेता है और वो जानते हैं कि जीवन में माफ करना ही सबसे बड़ा आपको फल है। उन्होंने एकदम उसे तुरंत माफ करने का काम किया। सर, अभी जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, क्या ये चुनाव पार्टी लेवल पे होना चाहिए या इसी तरह? ये सब तो देखने की बातें हैं, अभी तो ऐसा कोई निर्णय आया नहीं है। अगर इस तरीके का बात आता है तो देखा जाएगा। सर, मेयर और डिप्टी मेयर का जो पद है, आम जनता उसको चुनेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा है ना, लोकतंत्र में यही तो होना चाहिए। एक जनता ही उम्मीदवार को चुने ताकि वो सदन में अच्छे से अपने आप को प्रतिनिधित्व करे। लेकिन ये तो बहुत अच्छा निर्णायक फैसला है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम क्या, हमारे जैसे सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें आरक्षण लगा हुआ मेयर और डिप्टी मेयर पद का, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? आरक्षण के प्रति तो आप खुद ही मीडिया से हैं, वो आपको तो पता है, वो तो है और रहेगा, इसमें कहीं कोई जो है। आने वाला समय में क्या पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी? पार्टी NDA के साथ मजबूती से चुनाव लड़ी है, पहले भी लड़ी है और आगे उन्हीं के साथ लड़ना है। कहीं से कोई मतभेद है? कहीं से कोई किसी तरह का मतभेद? कोई मतभेद नहीं है हम लोगों में। NDA मजबूती से, आप MLC के चुनाव में देख रहे हैं जब NDA मजबूती से है। सर, मुकेश सहनी की पार्टी का 3 विधायक BJP में शामिल हो जाता है, मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाता है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे?